कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में सरस्वती नगर में साइबर जागरूकता राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में कलाकारों और बच्चों ने हरियाणवी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। जिला पुलिस द्वारा हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत डीएवी स्कूल पिहोवा में आयोजित करवाए गए इस राहगीरी कार्यक्रम के जरिए लोगों को साइबर अपराधों व नशा से बचाव और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। राहगीरी के नोडल ऑफिसर डीएसपी यातायात प्रदीप कुमार ने राहगीरी में आए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राहगीरी ऐसा मंच है जिसमें मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक विषयों पर आमजन को जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि आमजन यातायात नियमों की पालना करके खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को नशा मुक्त जिंदगी जीने की शपथ भी दिलाई गई। ये माननीय सीएम साहब के जो आदेश हैं कि पब्लिक और पुलिस के बीच में संवाद बना रहे, उसको लेकर उन्होंने कार्यक्रम चलाए हुए हैं। उनकी पालना में आज एसपी साहब श्री सुरेंद्र बोलिया जी आईपीएस के आदेशानुसार डीएवी स्कूल पिहोवा में राहगीरी का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा और अन्य तरीके से इस बात को साझा किया गया, समझाया गया कि लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग और व्यायाम पर ध्यान दें, यातायात के नियमों का पालन करें, उनके बारे में उनको विस्तार से बताया गया और एक नशा मुक्त समाज बनाने में सहयोग करें, खुद नशे से दूर रहें। साइबर क्राइम के बारे में अवगत कराया गया कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा भी हमने बहुत सी बातें साझा की। राहगीरी के जरिए लोगों को साइबर अपराधों व नशे से बचाव और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का तरीका अच्छी पहल है। इससे लोग मनोरंजक तरीके से जागरूक होते हैं और समाज में बड़े स्तर पर संदेश जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।